वायरल हो गई अभी से, वायरल हो गई है ये लोग सुनाएंगे। ये लोग मैं तो चाहता हूँ कि डाकू को भी पता चले आज इस आदमी ने निकाला ना ये टॉपिक, यही सुना आज मैं सुनना चाहता हूँ। तीन बार सुन ली, सुना क्या हुआ अभी? आज तू कहानी सुना के दिखा दे, मान जाओ। चंबल के लोगों को बाला का कैरेक्टर बहुत प्यारा लगा, वो अपने आप को देख रहे थे उसके अंदर, क्योंकि बाला शैतान है कैरेक्टर तो उन्होंने 30 साल पहले आके लूट लिया उनसे। यानी ये है कि ये मनाने का क्या कर रहे थे ट्रेन में, बहुत साल पहले की ट्रेन की जर्नी इनकी जा रहे थे, चंबल की तरफ से निकल रहे थे, रात को सो रहे थे 12 बजे, एकदम से उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा डाकू लोग घुसे हुए हैं। ट्रेन के दिमाग ने इनको बताया कि नहीं उठना, नहीं कुछ भी करना है तो उनको करने दो। तो डाकुओं ने इसका बैग उठाया और बाहर फेंक दिया। 350 रुपए की मेरा बैग नहीं उठा, सबका बैग उठा, सबका बैग मेरा भी तो ये नहीं, अरे उसका बैग का है। नॉट बैड बॉब, वेल डन बॉब, वेल डन, वेल डन, शॉर्ट एंड स्वीट। ट्रेन का सफर इसलिए जाना चाहेंगे कि इसके पहले कितने, मतलब यू नो कोई बचपन में बैठा होगा, बीच में नहीं बैठे होंगे आप लोग, कितने साल बाद आप लोग बैठे हैं? और एक हफ्ते बाद मैं बैठा हूँ, पिछले हफ्ते लातूर गया था। मुझे ये बता दीजिए इंडियन रेलवे या कहाँ? जापान के ट्रेन में अभी बैठ गया। ये सिर्फ आपको बताना चाहता है कि जापान भी गया था बुलेट ट्रेन। बट अक्षय आपका जो लुक है, जो बाला वाला लुक है, दैट समवेयर रिमाइंड्स ऑफ रणवीर सिंह फ्रॉम यू नो पद्मावत, लाइक इज देयर सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटी और लाइक इज दैट लाइक यू नो ट्राइंग रणवीर सिंह उसमें क्या था? उसमें वो सॉरी बाजीराव मस्तानी, बाजीराव मस्तानी आपका जो पुराना लुक है सब तो वैसे ही तैयार होते थे, पर आप लाइक नेगेटिव हो उस मूवी में, एटलीस्ट लो कैरेक्टर जो है वैसा, जो मेरे कितने सालों की तमन्ना थी कि मैं हाउसफुल का हीरो बनूं, आज आपने पूरी कर दी। आपके लुक के बारे में बताइए। लुक कुछ नहीं, वाज इट लाइक यू नो ट्राइंग टू लाइक यू नो, नो इट इज नॉट ट्राइंग टू एप एनीबॉडी, बट इट इज जस्ट ये लोग सोचा था कि हमने कि मैं बाला जो है बेसिकली उसका कैरेक्टर ये है कि उसके पिता जब पैदा हुआ था उसके बड़े बाल थे, बहुत बाल, तो जब उसके तभी उसके पिताजी ने उसका नाम राजकुमार बाला रख दिया। फिर 2 साल बाद उसका शाही मुंडन हुआ था, जब मुंडन हुआ उसके बाद जब मुंडन के बाद एक भी बाल नहीं आया, गंदा ही रह गया, तो उसके गंदा रह गया तो बहुत नफरत करता है लोगों से जिनके बाल हैं, तो कई लोगों को उसने मार भी दिया है और या तो उनको उनके बाल मतलब निकाल दिए। ये कैरेक्टर था तो क्योंकि I had to play a bald guy, so that is that's. Although you don't have the chain here. No, she, he doesn't have the chain. But your second look resembles that of George Clooney. अक्षय कुछ लोगों के साथ बैठा था, तो आप लोगों के बीच भी बैठते हो? मैं आपको बताऊं कि सब लोग ये बात कर रहे थे कि आपकी फिल्म का जो गाना है वो दूसरी फिल्मों का प्रमोशन ज्यादा कर रहा है, मतलब आप गाना आपका सुन रहे हैं और दूसरी फिल्म एक बाल आ रही है उसका प्रमोशन खूब हो रहा है। वो तो यही बात हो गई, आप हमारे आए हैं माल उनका खा रहे हैं। मैं ट्रेन रोकूं? नहीं नहीं, अब मैं नहीं पूछूंगा। ओके रितेश, जैसे कि अभी आपने कहा कि आप लातूर गए थे लाइक लास्ट वीक, तो आपके भाई पॉलिटिक्स में इलेक्शन आ रहे हैं, व्हाट यू वांट टू से लाइक, क्या उसके बारे में कुछ? उसके बारे में वहाँ बताऊंगा, उसका प्रचार अलग है, यहाँ पर हाउसफुल का प्रचार, हाउसफुल। ओके तो वेल यहाँ पे दो दो कृति हैं, तो कभी सेट्स पे ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं है, इनको बुला रहे हैं वो सुन रही थी ऐसा कुछ? शुरू शुरू में हुआ था, एक्चुअली अभी भी होता है, कई बार होता है कि लोग कृति बोलते हैं, वी वोट डाउन, आज इसने रेट्स बोला था हाँ, तो भी आई टर्न दैट हैपेंस, बट इवेंचुअली खरबंदा और सैनन बन गया था, फिर खरबंदा का केके भी बन गया था, आई डोंट थिंक वो सैनन का और छोटा कर पाया। और खरबंदा से याद आया, अक्षय ने एक प्रैंक भी खेला था रंजीत साहब के साथ, हम लोग सब बैठे थे तो अक्षय ने कहा ये कुलभूषण करबंदा की बेटी है। तो अच्छा बेटी, तुम्हारी पिता को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मेरे पिता को आप तो वो भी काफी एक अच्छा प्रैंक, स्मार्ट प्रैंक। नहीं बेटा ने सी जी, नाउ वी नो व्हिच प्रैंक टू टेल व्हेन दे आस्क दैट क्वेश्चन। बॉबी, यू हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस फिल्म लाइक यू नो ऑफ लीड, वरना अक्षय और यू नो इवन चंकी पांडे फॉर दैट मैटर एंड रितेश, दे हैव बीन यू नो इन दिस फिल्म इन द फर्स्ट सीरीज, हाउ डज दैट फील?
that's the pattern of Houseful. It's always these three characters, and then you have new characters which become a part of this. And so that's how it is, and I'm really lucky that I got to be a part of Houseful. And one of the scenes actually reminds us of, you know, Ajnabi movie, jahan pe, you know, iski biwi, uski biwi and all that. You know, there are some memes also. Oh my God! It's nothing like that. It's just confusion. This film is all about confusion. That's what Houseful is all about. All Housefuls are all full of confusion. Yeah. What? There were memes like, you know, out there, like, you know, ajnabi se comparison ho raha tha, jahan pe ek scene tha, like, you know, iski biwi uski biwi, like that, jahan pe aap aur Bobby teri biwi teri biwi nahi hai, teri biwi meri, wo meri biwi hai, teri biwi nahi hai, iski bhabhi hai, kya tha. When you watch the film, you're going to know it's nothing like that. Story, yeah, ki tere sath kaun hai 2019 mein, ek flow chart. Flowchart. It's always you who comes with all these theories, you know, in Houseful, which sometimes, like, you know, also doesn't go well. मैंने नहीं लिखी है गाना. नहीं नहीं नहीं. In the movie, like, आप एक यानी character था जो यानी बताते कि ये कुछ ना कुछ confusion होता है, and then you are the one who creates that. नहीं हर फिल्म में ये बोलता है. ये फिल्म मैंने बोला. इस फिल्म में dialogue भी बोला. हर बार तू बोलता है, इस बार मैं बोलूँगा. ये explain करता है हमेशा. Houseful, I think Houseful for me means getting back with close friends, working together, having a great time, having fun, working with paid holiday of course, and working with people that you've never worked before. So that's another, like, I got to work with all these lovely co-stars, and that was great for me. हर हाउसफुल में नए नए मुर्गे मिलते हैं हमें. I'm a German. Okay, so since the theme is regarding reincarnation. Okay, तो ये मूवी का वेल थीम है reincarnation. तो वो आप सबका क्या इस पे टेक है? Do you believe in पुनर्जन्म and ये सब टाइप है? पुणे में ही जन्म. नहीं नहीं मेरा पुणे में जन्म हुआ. Yeah, I believe in this. Yeah, in reincarnation. Why? I think it's a possibility that it may happen. So आप चाहती हो कि आपका पुनर्जन्म हो? अगर हो तो फिर किसका जन्म चाहिए आपको? लेना चाहिए. अक्षय कुमार. करेक्ट. मतलब want to be a male version of अक्षय कुमार. अक्षय कुमार. I want to be a female version of अक्षय कुमार. But I actually believe that sometimes when you meet some people, you feel like you connect really well so soon, and it's not normal. And you can't explain it. And you feel like you know them very well, maybe from another time. I think it's a beautiful thought. Yeah, I believe. I feel that. Chunky, why do you believe? Why I believe in rebirth? Yeah. Same thing what Priti said. Sometimes you meet people like that, and have you met anyone who you've been connected? My wife, saath janam ka saath hai bhai. They say that seven janams together. Yeah. But मैंने एक करवाया था मेरा वो हिप्नोसिस करके मुझे टीवी शो पर ये लोग लेके गए थे कुछ 400 साल पहले. मेरे पास कुत्ता निकला उससे. थैंक यू. पास्ट लाइफ रिग्रेशन. पास्ट लाइफ रिग्रेशन. आई एंडेड अप बिकमिंग अ डॉग. तो बोलते हैं ना आप जानवर के रूप लेते हो बिफोर यू आर बॉर्न एज अ ह्यूमन बीइंग. सो यू डोंट नेसेसरली हैव टू बी अ ह्यूमन बीइंग. यू कुड बी एनी एनिमल फ्रॉम द एनिमल. ओके बॉबी, व्हाट डू यू वांट टू से? डू यू बिलीव इन रीइंकार्नेशन? आई डोंट रियली. आई नेवर पुट सो मच थॉट टू इट. But it's a great concept. It's interesting. If there is rebirth, if it is, then it's scary. Because you don't know what you mean in your next birth. If you want your next birth anymore, it's scary that you want to know what you were in previous birth. So I leave it to that. What was the reason of, you know, heading for a train journey for Houseful for promotions? Like, what excited you guys? So we could spend more time with you guys. And we could travel and meet each other also. So what are surprises in for us after this? They are surprises.